नमस्कार, आप देख रहे हैं सिनेस पिक्स और मैं हूं दिव्यांशी। कुंडली भाग्य की आने वाली कहानी में राजवीर और पलकी करीब आएंगे। कुंडली भाग्य की अब तक की कहानी में राजवीर ने पलकी के लिए अपने प्यार का इजहार करके उस पर हमला बोल दिया है। वहीं पलकी को डाउट है कि राजवीर ने जो कहा वो पूरी तरह सच था या नहीं, क्योंकि वह उस समय नशे में था। राजवीर को अपनी सफाई देने का मौका भी नहीं दिया गया, जिससे पलकी पहले से कहीं अधिक उलझन में पड़ चुकी है। इस बीच राजवीर पलकी का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो नशे में कही गई बातों को दोहराकर अपने प्यार का इजहार फिर से करे। राजवीर की एक्सप्लेनेशन से पलकी एक्साइटेड हो जाती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। क्या राजवीर तुरंत पलकी से अपने प्यार का इजहार कर देगा? वही आने वाले कुंडली भाग्य के एपिसोड्स में नीधि भी चाली चलेगी। वो अपनी स्ट्रैटेजी से सृष्टि को शामिल करेगी। कुंडली भाग्य की कहानी में अब तक निधि को पता चल चुका है कि करण प्रीता के पास जा रहा है और उसे एहसास होता है कि प्रीता के वापस आते ही उसे करण की जिंदगी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वह एक बार फिर प्रीता को सीन से हटाने का फैसला करती है और गुंडों को प्रीता के घर के पास मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी ओर प्रीता और सृष्टि दोनों एक ही रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। वहीं आगे क्या होता है, क्या थोड़ी सी गलतफहमी के कारण निधि की योजना का केंद्र बिंदु सृष्टि बन जाएगी,